क्वेश्चन नंबर टू है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो इट इज ए रेक्टेंगल, यानी किसी पैरेललोग्राम में अगर उसके डायगोनल्स बराबर होंगे तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट से ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हम खींच लेते हैं ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम में ये इसके डायगोनल्स हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इन विच ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। नाउ टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल वी हैव टू प्रूव वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। अगर इस पैरेललोग्राम को हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कम से कम एक इंटीरियर एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, इन ट्रायंगल्स को देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए क्योंकि ये कॉमन है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज बोथ आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है और ये दोनों बराबर होंगी। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी पहले से बराबर है, ये दिया गया है दैट डायगोनल्स आर इक्वल। नाउ साइड 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 साइड, दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 आपस में बराबर है, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाई साइड 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 रूल। अगर ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे, हेंस एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी यानी ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी यानी ये एंगल पूरा और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये एंगल ए बी सी और ये एंगल बी ए डी। अगर हम इसको एंगल एक्स मान लें तो ये भी एंगल एक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we can see that AD is parallel to BC and AB is transversal. AD और BC आपस में parallel है और AB transversal है, तो ये angle और ये angle ये दोनों consecutive interior angles होंगे, hence angle ABC and angle BAD are consecutive interior angles. जैसा कि हम जानते हैं that sum of consecutive interior angles is 180 डिग्री, हेंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2 इंटू एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, हालांकि हमने तो ये प्रूव कर दिया दैट टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यही हमको प्रूव करना था।